पूरा वृंदावन नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की है। आपको बता दें कि नगर निगम ने शहर के उन चौराहों की दीवारों को हैंगिंग गार्डन बनाना शुरू किया जहां गंदगी रहती है। इससे श्रद्धालु मथुरा से वेल फीड का मैसेज लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम ने फिलहाल 4 चौराहों पर यह प्रयोग शुरू किया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने पहले चरण में मथुरा की 4 बस सूरत हो चुकी दीवारों को खूबसूरत बनाया। आपको बता दें कि पहले चरण में उन चौराहों को चुना जहां से श्रद्धालु मथुरा में एंट्री करते हैं। इन चौराहों की दीवारों पर खूबसूरत पौधे लगाए गए। दीवारों पर बनाए गए हैंगिंग गार्डन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भूतेश्वर चौराहा, नया बस स्टैंड, स्टेट बैंक चौराहा और कृष्णपुरी पर हैंगिंग गार्डन बनाए गए हैं। इसका मुख्य कारण श्रद्धालुओं को मथुरा की अच्छी तस्वीर दिखाना है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ट्रेन या बस से आने वाले श्रद्धालु को बस स्टैंड व स्टेट बैंक चौराहे पर हैंगिंग गार्डन की खूबसूरती का एहसास कराएंगे। इसी तरह बरेली या यमुना एक्सप्रेस वे से मथुरा आने वाले कृष्णपुरी तिराहा का हैंगिंग गार्डन स्वागत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।